कितना ऑलमोस्ट कितना बता, अगर इस टॉपिक्स जो आपने बताए कितना चांस है कितना कमाने का मिनिमम? देखो अगर चलिए तो इसके अंदर जैसे मैंने अगर जिन जिन लोगों के एग्जांपल लिए थे वो मिलियंस में कमा रहे हैं एक्चुअली, तो मैं मिलियंस में भी नहीं, अगर आप जैसे आपने ब्लॉग का टाइटल ही रखा है $1,000, तो $1,000 तो बहुत ईजी कमाने का, लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है एक्चुअली वहाँ $1,000, लेकिन $1,000 मैं बताऊँ ना आज की तारीख में इंटरनेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ब्लॉगिंग के अलावा भी, आप $1,000 ईजिली कमा सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या 2020 में ब्लॉगिंग करना सही रहेगा, क्या आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल राइटिंग की, कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉगिंग के एक्सपर्ट, ब्लॉगिंग के जो किंग है, उन्हीं से बात करते हैं इसके बारे में। तो स्वागत है सर, प्रीतम सर स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सतीश फिर से मुझे इन्वाइट करने के लिए। आपका शो कपिल शर्मा के शो की जैसे इंसान हर बार आने की कोशिश, लेकिन कपिल शर्मा में लोग हंसाते हैं, कपिल शर्मा हंसाते हैं और मैं लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करता हूँ, बहुत इंस्पायर करते हैं आप। तो मैं आज इंस्पायर होता हूँ आपके वीडियो। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड सर ब्लॉगिंग के किंग है, इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारे चीज़ें करी हैं ब्लॉगिंग में, काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अराउंड 2003 से सर 2003 से एफिलिएट मार्केटिंग 2003 से एफिलिएट मार्केटिंग 2009 से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं से बात करते हैं ब्लॉगिंग के बारे में। तो सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 2020 में ब्लॉगिंग पॉसिबल है पैसे कमाना? बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और काफ़ी अच्छे से कमा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगिंग के अभी एक्चुअली तरीके बदल चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंज हो चुकी है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से आप पहले ब्लॉगिंग करते थे, आप लोग जो जिस तरह से पहले ब्लॉगिंग करते थे, अभी आपको कहते हैं थोड़ा ढंग चेंज करना पड़ेगा ब्लॉगिंग के। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए अब लोग बोलते हैं कि ज़्यादा करके वीडियो कंजप्शन हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो लोग आर्टिकल कौन पढ़ रहा है आज के टाइम में, ऐसा लोगों का कहना है। तो आपको क्या लगता है कि इससे फ़र्क पड़ रहा है ब्लॉगिंग के ऊपर? ब्लॉगिंग के ऊपर मैं ऐसा कहूँगा कि थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ रहा है वीडियो कंजम्पशन की वजह से, क्योंकि जियो के रिवोल्यूशन के बाद क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा चीप हो गया है। आप अपना YouTube खोलते हैं और उसमें ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन में जाके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जनरली ट्रेंडिंग वही वीडियोस करते हैं जो कि पॉलिटिक्स हो या एंटरटेनमेंट हो, म्यूजिक हो या कॉमेडी हो, राइट? तो ये चीज़ें एक्चुअली टेक्स्ट में पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो ज़्यादा जो वीडियो का कंजम्पशन जो ज़्यादा हो रहा है इन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरीज टॉपिक्स में हो रहा है, जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो कैटेगरीज, जो ब्लॉग्स और वेबसाइट पर जो कैटेगरीज है, जैसे इन्फॉर्मेटिव है, एजुकेशन है या दूसरे टाइप की कैटेगरीज हैं, वो एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया मैं भी मानूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया। इसके लिए अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो मैं जो आपको तरीके बताऊंगा वो तरीका एक्चुअली जो पुराने तरीके यूज़ करते हैं वो तरीके से अभी ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होगा। तो इसके लिए गूगल को मालूम है कि टेक्स्ट का बिज़नेस कभी भी क्या कहते हैं ख़त्म नहीं होने वाला है, भले बढ़ नहीं रहा है लेकिन क्या कहते हैं घट भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रही है। ओके, लेकिन सर एक और चीज़ है कि मान लीजिए ज़्यादा करके अगर कुछ सर्च करते हैं अपन गूगल में, कोई क्वेरी करते हैं, तो सब अगर वीडियो में उसका कुछ अवेलेबल है कंटेंट तो उसको ऊपर दिखाता है सबसे पहले। हाँ, तो आजकल गूगल, आजकल देखो यूट्यूब को ज़्यादा प्रमोट, गूगल खुद ही नहीं, आजकल देखो इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, सभी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा कहते हैं भाव दे रहे हैं एक्चुअली। तो इसका मतलब है कि गूगल भी एक्चुअली लोगों को चाहता है कि कहते हैं वीडियोज देखें, वीडियो कंज्यूम करें, क्योंकि गूगल का नेक्स्ट जो ट्रेंड है, नेक्स्ट जो बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है वो यूट्यूब में ही, वो बिज़नेस अपना ज़्यादा बिज़नेस अभी देखने की कोशिश कर रहा है। तो उसे फिर उस बात से भी एक्चुअली ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी ये कहते हैं वीडियोस आती ही थी सर्चेस के अंदर। ऐसे नहीं कि कहते हैं अभी आने लगा, राइट? पहले भी सर्चेस में आते थे, आज भी आते हैं, चीज़ें वही रहेंगी, उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बस तरीके बदल जाएंगे चीज़ों को करने के। दूसरी बात ये भी क्या, जैसे आप बोलते हो कि पोटेंशियल नहीं है आज भी ब्लॉगिंग के लिए, तो ये बात मैंने 2014 में भी सुनी थी एक्चुअली। लोग बोलते थे एसईओ डेड हो गया है, ब्लॉगिंग डेड हो गया है, लेकिन 2014 से ही मेरे को ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा इनकम आना चालू हुई थी। अच्छा, तो चीज़ें एक्चुअली कभी भी कहते हैं जैसे ब्लॉगिंग के, तो मेरे ख्याल से तो कभी भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप अपने तरीके को चेंज करो, आपको जरूर इसमें सक्सेस मिलेगी। अच्छा सर, एक और सवाल आता है कि गूगल हर महीने हर 2 महीने पे एक अपना एल्गोरिथम नया लेके आ जाता है। हाँ। कोर अपडेट, पता नहीं कौन सा अपडेट लेके आता है, पंडा, बहुत ज़्यादा अपडेट तरीके से। और ब्लॉगिंग जो लोग कर रहे हैं काफ़ी सारे ब्लैक हैट एसईओ करते हैं या फिर ग्रे, तो उनका डाउन हो जाता है। राइट। इसके लिए बताइए कि कैसे बचे रहें सब चीज़ों से, कैसे एक जेन्युइन तरीके से ब्लॉगिंग करें। देखिए, बचने का जो तरीका भी, जैसे गूगल के जो अपडेट्स आते हैं वो आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट अपडेट्स आते हैं। आज अगर कंपेयर करोगे 10 साल पहले जितने अपडेट्स आते हैं, तो उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो 2 से 3 गुना अपडेट ज़्यादा पड़ते हैं। तो आप हर महीने, हर 2 महीने में अपडेट देखोगे।
और इस वो इसी के लिए कि एक्चुअली वो स्पैम को कंट्रोल करने के लिए कि चीज़ें अब वैसी नहीं रहेगी एक्चुअली, क्योंकि गूगल पहचानता है अच्छे कंटेंट को, अच्छे क्या कहते हैं कंटेंट कौन लिख रहा है उनको पहचानता है गूगल आज की तारीख में। तो आपको आप अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसी के बारे में आप कंटेंट डालिए, ऐसा नहीं कि आप जैसे पहले आप बोलते थे कि जनरल कैटेगरीज के ब्लॉग डाल दिया, कभी जनरल 50 डिफरेंट कैटेगरीज में ब्लॉग कर रहे हैं, या फिर ये कहते हैं आपने जैसे कुछ भी किसी भी टाइप का कंटेंट डाल दिया, आप सोचते हो कि रेगुलर पोस्ट करने से ये कहते हैं आपका रैंक ज़्यादा होगा, तो ये सब तरीके एक्चुअली अभी चलते नहीं। आप तरीका क्या होगा, आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किसी चीज़ के अंदर और उसके ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वही लोग चलेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ये कहते हैं वैल्यू देनी पड़ेगी आपके ब्लॉग्स के अंदर। तो कॉम्पिटिशन उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली ये कहते हैं लेज़ी तरीके से इनकम करते थे। एक ज़माने में मैं भी लेज़ी तरीके से इनकम करने की सोचता था, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि गूगल बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस ला रहे हैं तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए अपने ब्लॉग्स के अंदर और अपने ब्लॉग्स को मेंटेन किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर जो ऐसे ऐसे लोग देखेंगे जो कि लेज़ी तरीके से ब्लॉगिंग करते हैं कि हाँ कुछ भी कहते ब्लॉग पर डाल दिया कैसे भी रैंक करने लग गए, तो ये चीज़ें अभी एक्चुअली चलेगी नहीं। कॉम्पिटिशन अच्छे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं बढ़ा है, अच्छे लोगों के लिए तो और ज़्यादा कहते इजी हो गया है, क्योंकि गूगल इन लोगों को जो लेजी थे, लेजी लोग थे जो कि कुछ भी कंटेंट डालते थे, किसी भी टाइप का ब्लॉग किसी भी टाइप से ब्लॉगिंग करते थे, उन लोगों को अपडेट करके फिल्टर कर रहा है, तो फिल्टर करने में अभी लोग जो कम हो रहे हैं उसमें कॉम्पिटिशन और कम हो रहा है एक्चुअली। बिल्कुल सही। तो अगर आप कॉम्पिटिशन आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं आपके ब्लॉग के अंदर, आप एक अथॉरिटीज दिखा रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर नीश के अंदर आपकी अथॉरिटी है, तो आपके लिए कंपटीशन कम है। अगर आप क्या कहते हैं कुछ भी जो भी मन में आ रहा है उस पर ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके लिए ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा सर, क्या होता है कि अभी देखिए 2020 में भी काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि एक इनकम सोर्स हो हमारा, तो जब भी वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो उनको ब्लॉगिंग यूट्यूब ये सब सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो लोगों को क्या है कि पैसे कमाना है बट वो सीखना नहीं चाहते ब्लॉगिंग को एक्चुअली, कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, एकदम ट्रू। उनको बस ये है कि भाई मुझे सिखा दो, आज से ही मुझे पैसे कमाने हैं। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि लोगों को अगर घुसना है ब्लॉगिंग में करना है तो कैसे शुरू करें आपके हिसाब से, एक बिगिनर को कैसे आप बताएंगे? तो अगर आप बिगिनर है तो आप ये पकड़ के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ये ऐसे ब्लॉगिंग ऐसा तो है नहीं कि कहते हैं आज आपने सुना और कल आपने चालू किया और परसों से इनकम आने लग गया। आप सोचोगे कि 15 साल आप कहते हैं एजुकेशन में स्पेंड करते हो, आप कभी नहीं सोचते कि मुझे क्या कहते हैं इनकम चालू हो जाए, कि आप स्कूल जाते समय सोचते हो क्या मुझे क्या कहते हैं अगले महीने से क्या कहते हैं जॉब लगने वाली है, मैं अगले महीने से कमाना चालू कर दूँ। तो आप ब्लॉगिंग में से क्यों सोचते हो? ब्लॉगिंग भी बहुत सीखने की ज़रूरत होती है इसके अंदर, कम से कम 1 साल तो मिनिमम आपको स्पेंड करना है इसके अंदर सीखने में। और सीखना ऐसा नहीं है कि आप ये कहते पढ़ते रहो सिर्फ, सीखने का मतलब है कि इम्प्लीमेंट करके सीखते रहो। तो क्या होता है कि अगर आपको ब्लॉगिंग करने का या ब्लॉगिंग क्या इंटरनेट पर कुछ भी तरीका यूज़ करने का पैसे कमाने का, जैसे यूट्यूब हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, फ्रीलांसिंग हो, तो आपको ये करना पड़ेगा कि पहले सीखना है ये इम्प्लीमेंट करते हुए। इम्प्लीमेंट करने का क्या मतलब, जैसा आपने बोला कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो ब्लॉगिंग ये पूरा आपको ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा नॉलेज आप ले लो और उसके बाद चालू करो, थोड़ा सा ज्ञान आ गया, थोड़ा सा आपको नॉलेज आ गया ब्लॉगिंग के अंदर, आप ये कर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दो, आप कंटेंट लिखना चालू कर दो, कंटेंट राइटिंग में प्रैक्टिस करो, एसईओ की प्रैक्टिस करो, तो धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहेगी, आपको समझ में आती रहेगी इंडस्ट्री के बारे में क्या आ रहा है क्या नहीं। उस समय आप क्या करो कि इनकम की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं मत दो कि इनकम क्या आ रही है, बस आप देखो कि मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, आप उसको सीखो समझो एनालाइज करो एक्सपेरिमेंट करते रहो चीज़ों के ऊपर, 1 साल 1.5 साल के ऊपर बहुत अच्छे से आपको नॉलेज आ जाएगी और मेरी गारंटी कि आप 1.5 साल के बाद आराम से कमाने लगोगे। मैंने जब चालू किया था ब्लॉगिंग 2009 में तो मुझे 2012 से कहते हैं थोड़ी थोड़ी इनकम आनी चालू हुई थी। वैसे तो मैंने एकदम बहुत ही डेडिकेटेडली नहीं करता था, लेकिन फिर भी ये कहते मुझे 2-3 साल ये कहते हैं इसमें स्टार्ट होने के इनकम स्टार्ट होने के लेंगे, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि कहते ऐसा गिव अप नहीं किया कि 2001 साल हो गया अभी इनकम नहीं आ रही, 2 साल हो गया इनकम नहीं आ रही, मैं कंटिन्यूस करता रहा सीखता रहा करता रहा। मुझे मालूम था लोग अगर कमा रहे हैं, लोग अगर एग्जाम्पल देने की इतने कमा रहे हैं, उस समय एग्जाम्पल्स कम देखने को मिलते थे, आज तो इतने सारे देखने को मिलते हैं। आपके मेरे ख्याल से अगर YouTube चैनल पे देख लो तो कम से कम 200-300 तो एग्जाम्पल्स वहीं मिल जाएंगे लोगों को कि कितना लोग कमा रहे हैं। जब वो लोग कमा रहे तो आप भी कमा सकते हैं, बिल्कुल आप भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप ऐसे मत सोचो कि कल से चालू हो जाएगा, काफ़ी टाइम दो, 1 साल दो, 1.5 साल दो, जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ हो रहा है, ठीक हो रहा है,
तो आप क्या कहते हो उसके पद कमाए। और मकसद भी मेरा यही है चैनल पे लोगों को बुलाने का कि लोगों को एग्जांपल मिले, लोग इंस्पायर हो चीज़ों से करने के लिए। थैंक यू सो मच। खुद को इंस्पायर करते हैं वीडियोस। अच्छा सर, आपने तो बता दिया कि शुरू करने के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन सर काफ़ी लोगों को ना आइडिया नहीं होता कि किस टॉपिक पे शुरू करें, कैसे टॉपिक को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे टॉपिक डिसाइड करना है, वो प्रोसेस बताइए। देखिए टॉपिक्स के लिए मैं बता दूं आपको, जैसा एक तो मैंने अभी जैसा आपको इतना बताया एक, एक, एक और चीज़, लोग ये बोलते हैं कि हर एक टॉपिक पे कंटेंट लिखा जा चुका है, मैं क्या लिखूं? तो आप कुछ नया करिए, आप बहुत बहुत सारे कुछ इसके अंदर है। अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, टॉपिक्स की एक्चुअली कमी नहीं है। ओके है ना, टॉपिक से क्या होता है कि जैसे अगर ये कहते हैं, मैं जैसे एक सबसे पहले तो आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप है ना, आप ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करिए जिसमें है ना आपको क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, क्योंकि ब्लॉगिंग क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ना बोर होने लग जाता है अगर आप ऐसे टॉपिक्स पे स्टार्ट करोगे जिससे आपके पता ही नॉलेज ही नहीं है, आपके जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आइडियाज़ नहीं है। आप ये करोगे इधर उधर से कहते हैं ढूंढ ढूंढ के कॉन्टेंट लिखने की कोशिश करोगे, कॉन्टेंट राइटर से लिखवाओगे, छः महीने के बाद जब रिजल्ट नहीं आया तो आप गिव अप करने की कोशिश करोगे। सो आप अगर क्या कहते हैं ऐसे टॉपिक से स्टार्ट करते हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं नॉलेज है, तो आप कभी बोर नहीं होंगे और ये कहते हैं आप कंटिन्यूस इसके अंदर करते रहेंगे, एक साल डेढ़ साल आराम से दे सकते हैं इसके अंदर। दूसरी बात अगर ये कहते हैं आप साथ साथ में और भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे ये कहते हैं निश आइडियाज़ हैं जो अपने ब्लॉग मैंने अपने वीडियो में बताया। जैसे कि आप जॉब वाली साइट्स बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की बहुत ज़्यादा सर्चेस होती है, बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा मिलियंस में सर्चेस होती है, एक एक कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में मिलियंस में सर्चेस। कॉम्पिटिशन कितना होगा? कंपटीशन ऑलमोस्ट नील के बराबर है। अच्छा, क्योंकि जो भी लोग इसमें बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे हैं, जो भी बहुत बड़ी बड़ी साइट्स है जिनको मिलियंस में ट्रैफिक आता है, उनकी एक्चुअली अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है नहीं, उन्हें SEO बहुत ज़्यादा किया नहीं है। okay. सिर्फ ये कहते हैं कंटेंट को इधर से उधर कॉपी और पेस्ट थोड़ा सा इधर उधर चेंजेस करके करते हैं, SEO भी ज़्यादा नहीं करते, तो आप बहुत ईजीली कर सकते हैं। okay. और भी बहुत सारे ये कहते हैं टॉपिक्स एंड निश हैं, जैसे कि कोर्ट्स वाले हो गए, या फिर ये कहते हैं MP3 हो गया, या फिर लिरिक्स हो गया, या फिर क्या बोलते हैं विशेष हो गया, जैसे बर्थडे विशेष हो गया, विशेष को किसी भी टाइप की। अच्छा, अच्छा। जैसे ये कहते हैं सैड न्यूज़ वाली भी विशेष हो सकती है, जैसे कंडोलेंस मैसेजेस होते हैं कोट्स इस टाइप के, या फिर ये कहते हैं बर्थडे विशेष इस टाइप के। इवेंट्स ब्लॉगिंग कर सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट चला सकते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स की आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप न्यूज़ वेबसाइट चला दो, है ना। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आप मेरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, 25 ऐसे मैंने न्यूज़ के बारे में दिखाया। तो इन पे अगर ये कहते हैं साइड में अगर एक्सपेरिमेंट करने का, तो इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हो सके अगर चल गया तो इसमें आपको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है ना। कितना ऑलमोस्ट कितना बता, अगर इस टॉपिक जो आपने बताया कितना चांस है कितना कमाने का मिनिमम? देखो अगर चल गए तो इसके अंदर जैसे मैंने अगर जो अपने वीडियो में बताया था, तो जिन जिन लोगों के एग्जाम्पल लिए थे वो मिलियंस में कमा रहे हैं एक्चुअली। तो हमें मिलियंस में भी नहीं, अगर आप जैसे आपने ब्लॉग का टाइटल ही रखा है $1,000, तो $1,000 तो बहुत ईजी है कमाने का। ब्लॉगिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, बहुत ज़्यादा ईजी है इस फील्ड के अंदर, मतलब महीने के $1,000 आप इजीली कमा सकते हैं। हाँ, कुछ भी लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है एक्चुअली $1,000, लेकिन $1,000 मैं बताऊँ ना, आज की तारीख में इंटरनेट से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं ब्लॉगिंग के अलावा भी, आप $1,000 ईजिली कमा सकते हो। तो ये तो जो मैंने बताया ये एक्चुअली इंडिया के हिसाब से बताया और गूगल एडसेंस के हिसाब से बताया कि आप इस तरह से $1,000 अर्न कर सकते हैं। और भी जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो एफिलिएट मार्केटिंग से बहुत अच्छे से आप कमा सकते हैं $1,000, और बहुत ज़्यादा ईजी है एफिलिएट मार्केटिंग से, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेंगे, जैसे US में आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कहते हैं आप इंडिया को छोड़ के जब अदर दूसरी कंट्रीज है उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इनकम आएगा, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली जो कमीशन है बहुत ज़्यादा मिलता है, और लोग एक्चुअली जो बाइंग जो लोग जो कस्टमर जो परचेस करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या है कि जैसे एफिलिएट मार्केटिंग है, कोई निश जो माइक्रो निश जो प्रोडक्ट्स है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि amazon.com पे अगर USA की है, वहाँ पर बोस का ही कोई प्रोडक्ट ले लीजिए, बोस का कोई ईयरफोन हो गया, कोई स्टूडियो करके जो है वो अगर आप सेल करते हैं, जैसे $200-$300 का आता है, तो उसके अंदर आपको कहते हैं अगर एक भी सेल करते हैं डेली का, तो अराउंड क्या कहते हैं $25-$30 तो आराम से कमा सकते हैं। $30 अगर आप डेली का कमा रहे हैं, $1,000 महीने का हो गया, आपको क्या करने का है, एक माइक्रो निश साइट बनाने की, जिसमें सिर्फ उसी एक सिंगल प्रोडक्ट से रिलेटेड या सिंगल कीवर्ड से रिलेटेड ही कहते हैं इन्फॉर्मेशन डालने की है, उसके बारे में जितना कुछ डिटेल हो, अच्छा अच्छा जो डिटेल हो एक्सपर्ट तरीके से डाल दो,
थोड़ा बहुत एसईओ करो, बहुत ज़्यादा इजी होता है मैक्रोनिश साइट्स को रैंक करवाना। तो आप फोकस करोगे तो $1,000 तो इजीली एफिलिएट मार्केटिंग से कमा सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, क्या कहते हैं, $1,000 बनाने के। मैं तो बोलता हूँ $1,000 क्यों कमाते हो, $10,000 का टारगेट रखो ना, $20,000 का टारगेट रखो। लोग लेकिन एक्शन स्टेप बाय बस लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लो बस, क्या कहते हैं, इंप्लीमेंट करते जाओ, कमाते जाओ बहुत। और सीखना भी रहेगा तो सर का चैनल से आप सीख सकते हैं। सर के चैनल पे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस हैं एसईओ के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, ब्लॉगिंग शुरू करने के ऊपर। मैं तो सिर्फ आप लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ, सर आपको उंगली पकड़ के लेके जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स देखें, लोग है ना बोलते हैं मैं $50 कमा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली वो उस ढंग से एक्चुअली कर नहीं पाते, करते नहीं, वो प्रॉपर शॉर्टकट ढूंढते हैं, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये मतलब हमेशा गिव अप के मोड में रहते हैं। तो बहुत सारी एक्चुअली रीजंस है, फैक्टर्स है जिनकी वजह से एक्चुअली लोग कमाते नहीं। अदरवाइज $1,000 कमाना बहुत 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 ज़्यादा ईजी है। मैं कम से कम हज़ार तरीके बता सकता हूँ इंटरनेट के ऊपर, $1,000 आप कमा सकते हो इजीली। तो सर ने इतना बोला, इतना मोटिवेट किया, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जाओ करो करो बस, कमेंट करो। करके बताओ कि कितने लोग शुरू करने वाले हैं। और सिर्फ ये नहीं कि पैसे के लिए करना है, अगर आपका एक्चुअल में मन है ब्लॉगिंग करने में तो ही आप शुरू करो। कमेंट करके बताओ कि कितने लोग हैं शुरू करने वाले। एक और चीज़ है, शुरू करने से आइडिया है कि काफ़ी सारे लोग क्या है ना कि सर डोमेन लेने को सोचते हैं, डोमेन लूँ कि नहीं लूँ, फ्री वाले ब्लॉग स्पॉट पे काम करूँ। मतलब लोग 100-200 रुपए खर्च करने के लिए सोचते हैं, होस्टिंग पे पैसे खर्च करने के लिए सोचते हैं, सिर्फ वो सोचते हैं कि अगर नहीं चला तो मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। राइट। सर तो ऐसे लोगों के लिए बताइए कि जो एक्शन ले, देखो डोमेन खरीदे, होस्टिंग खरीदे, कुछ बताइए। इस टाइप की अगर मेंटेलिटी रहेगी तो मैं बोलूँगा कि आपका क्या कहते हैं 99% तो चांसेस वहीं खत्म हो जाते हैं कि आप ये कहते हैं कमाने नहीं वाले उसके कमाने नहीं वाले। अगर आप सोचे कि इन्वेस्टमेंट करके आ रहा, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ 100-200 रुपये भी नहीं, मेरे ख्याल से अगर होस्टिंग लोगे तो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये तो आराम से साल का। तो अगर अच्छे ये कहते हैं ये बिजनेस की तरह ट्रीट करिए इसको, ऐसे नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आप अगर आज की ब्लॉगिंग या इंटरनेट के किसी भी बिजनेस को हटा लो, अगर आज की तारीख में आप ट्रेडिशनल कोई भी बिजनेस, अगर चाय का ठेला भी अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो भी 50,000 रुपये तो आप आराम से कहते हैं देने पड़ेंगे। और मुझे कोई गारंटी नहीं कि चाय के ठेले से कितना कमाओगे, कितना कमाओगे चाय के ठेले से। चल तो जाएगा, चाय पीने वालों की कमी नहीं है, वड़ा पाव खाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन कितना कमाओगे इन वालों में। लेकिन ये आप ब्लॉगिंग की जब बात करते हो तो ब्लॉगिंग में मिलियंस में कमाने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा कमाने के चांसेस है। और आप 4,000-5,000 रुपये के बारे में सोचोगे तो मेरे ख्याल से ये कहते हैं आप आधा 50% से ज़्यादा तो वहीं पर एक्चुअली ये कहते हैं लूज़ कर देते हैं अपने आप को, वहीं चांसेस ख़त्म हो जाते हैं आपके सक्सेस के। तो बेहिचक ये कहते हैं इन्वेस्ट करिए 4-5 हज़ार रुपये जो ब्लॉगिंग और सॉरी डोमेन और होस्टिंग के लिए होते हैं। ये डोमेन और होस्टिंग आपको अगर नहीं भी कमाया तो इतना नॉलेज देके जाएगा कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि आप आगे फ्यूचर में बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा सर, अब आपने बता दिए लोगों को एक्शन लेना है। सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ होस्टिंग वगैरह सजेस्ट कर दीजिए डोमेन के लिए। तो आई थिंक GoDaddy वगैरह बेटर है, GoDaddy BigRock। होस्टिंग के लिए लोगों को समझ में नहीं आता होस्टिंग कहाँ से लिया जाए। होस्टिंग काफ़ी सारी है जो शेयर्ड होस्टिंग देती है बिगिनर्स के लिए, तो एकदम बेसिक जो होस्टिंग होती है जैसे ब्लू होस्ट देता है या फिर साइड ग्राउंड देता है या इन मोशन देता है, ये काफ़ी अच्छे होस्टिंग्स हैं जो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टार्ट में तो वैसे भी आपका कुछ ट्रैफिक ज़्यादा आने वाला नहीं है, और उसके बाद जब ट्रैफिक आएगा थोड़ा अगर ट्रैफिक आता है तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो मेरे ख्याल से ये भी हैंडल कर लेती है, लेकिन और भी ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो आप क्या कहते हैं क्लाउड होस्टिंग पे या VPS होस्टिंग पे जा सकते हैं। जैसे मैं किंस्टा यूज़ करता हूँ। कितना खर्चा आता है? बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, $200 मतलब अराउंड समझ लीजिए 15,000 पर मंथ का। हाँ 15,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं $10,000-20,000 कमा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं $200 पे करने में क्या है ना। तो आप देखिए कि आप मतलब किस टाइप के कहते हैं आपको ट्रैफिक आ रहा है, किस टाइप की इनकम आ रही है, उस हिसाब से आप अपनी होस्टिंग डिसाइड कीजिए। काफ़ी सारे VPS और क्लाउड होस्टिंग आजकल बहुत सारी डिफरेंट आ गई है, या अगर आपको बहुत ज़्यादा पीस चाहिए, शांति चाहिए तो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग आती है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज प्रोवाइड करती है, जैसे किंस्टा की ने जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वैसे सस्ते वाले भी काफ़ी सारी कंपनी जो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करती है वो ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे वैसे भी आप जैसे जैसे फील्ड के अंदर मास्टरी होती जाती है आपको खुद ही खुद ब खुद समझ में आ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर, काफ़ी अच्छा आपने वैल्यू दिया और आई थिंक लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि 2020 में अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो कितना स्कोप है। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से सर ने समझाया और आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। वैसे तो जब भी मुझे मिलने का मन होता है, कुछ सीखने का मन होता है तो मैं सर से आ जाता हूँ, कुछ भी सीखना होता है मिलने के लिए। लेकिन मैं सर ये पूछ रहा था अगर किसी को और किसी को भी अगर मिलना हो आपसे
सीखना हो आपसे पर्सनली मिलके तो कैसे सीख सकता है? वैसे सर तो ऑनलाइन भी सिखाते हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। जी अगर ऑनलाइन सीखना है तो मेरा यूट्यूब चैनल है सर। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, डिजिटल मार्केटिंग प्रो बनने का, तो मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग सेंटर चालू किया मुंबई के अंदर, जहाँ से ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, यहाँ पर रहते हैं एक्चुअली, और 3-4 महीने कोर्स करने के बाद चले जाते हैं। तो इस बार जो एक्चुअली मेरी नेक्स्ट बैच जो 22 फरवरी से चालू होने वाली है, वो बहुत ही कमाल की बैच स्टार्ट होने वाली है एक्चुअली। और इसमें इतना कुछ है डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स के लिए, आप किसी भी कहीं और किसी ट्रेनिंग सेंटर में पाएंगे नहीं। और इसके अंदर आप जैसे मैंने बताया ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग से आप किस तरह से कमाते हैं, तो कमा सकते हैं $1000, तो ये सारे के सारे एक्चुअली जितने भी टिप्स हैं, आइडियाज़ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, सारे के सारे में ब्लॉगिंग, फिर यूट्यूब हो गया, फिर एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरह से कमा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर। आप अगर जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप क्या कहते हैं, मैं लिंक दे दूंगा तो आप बिल्कुल बिल्कुल वहाँ से क्या कहते हैं काफ़ी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आपको किसी को इंटरेस्ट हो तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा, क्या कहते हैं, हम डिस्काउंट रखेंगे। क्या बात है बिल्कुल। और सर से काफ़ी पुराना अभी हो गया है अपना, मिलते रहते हैं हम लोग, तो सर का जो भी लिंक वगैरह है मैं नीचे डाल दूंगा, इनके जो भी चैनल का भी लिंक डाल दूंगा और इनका जो इंस्टीट्यूट है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और डिस्काउंट मिलेगा सर, कितना डिस्काउंट देंगे आप? डिस्काउंट अभी देखिए आप क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। सीक्रेट है, आप फोन करिए, आपको फोन करिए, और जो लोग मुंबई से हैं, मुंबई के आसपास से हैं, जरूर विजिट करिए। और जिनको सीखना है एक्चुअल में सीरियसली सीखना है वही लोग जाएं, टाइम पास करने का कुछ मतलब नहीं है। जी हाँ बिल्कुल एकदम, जिसको सीखना है वही आइएगा, ऐसा नहीं कि कहते हैं आप यहाँ पर आए लेकिन सोचे कि यहाँ पर कुछ जादू होने वाला है और यहाँ से कहते हैं जब 4 महीने के बाद आए बिना सीखे जाए तो आप सोचोगे कि मैं बहुत कमाने लग जाऊँगा। यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम मेहनत करवाएंगे, और अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी नहीं तो प्लीज़ मत आइए। तो एकदम फ्रैंकली सर बता रहे हैं कि अगर आपको सीखना है तो ही आइए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, और साथ ही कमेंट करके ये बताइए कि आप लोग कब से ब्लॉगिंग करते हैं, और जो लोग शुरू नहीं किए हैं वो क्या शुरू करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए कि वो कब से शुरू करना चाहते हैं। देखिए 2020 आ गया, आप लोग एक्शन लीजिए, मैं तो चाहता हूँ एक्शन लीजिए। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।